ये कल चंद भाई 1:46 का कॉल आई थी, जिसने मेरे व मेरे परिवार को धमकी दी। वो काफ़ी अपशब्द यूज करे, मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। हमने उसके बाद उसे दोबारा कॉल करी। दोबारा कॉल करने के बाद हमने उसकी कुछ एक छोटी सी क्लिपिंग ऑडियो बनाई। सबसे मजबूत बात यह है कि वो इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहा था, उसे ये पता था कि मैं अब DSP ऑफिस गया हूँ, अब मिनी सेक्रेटरी गया हूँ, अब फला जगह पे हूँ। उसकी रेकी इतनी मजबूत थी कि जो सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हम तो ये मान रहे चलो भाई फैंक कॉल आ जाते हैं, लेकिन वो बाई नेम मेरे फैमिली मेंबर तक के वो जो आदमी नेम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को पूर्ण रूप से जानता है शहर में। उसने बाई नेम सभी को धमकी दी है, जो मेरी मिसेज चेयरमैन वहाँ तक भी दी है, मेरे बच्चों को भी दी है। एग्जैक्टली कहाँ क्या है उसने एग्जैक्टली क्या कहा देखो कैमरे के सामने तो शब्द नहीं कह सकते हम, क्योंकि धमकी किस चीज की दी है, मतलब क्या धमकी डिमांड है उसने उसकी। जान से मारने की दी है। उन्होंने कहा कि भी बच्चे स्कूल से घर नहीं जाएंगे, जिस कुर्सी पे बैठे हो आराम से बैठ के टाइम काटो, वरना लाल बत्ती पे गोली मारेंगे जो चेयरमैन है उसके भी। जो अपशब्द उसने यूज करे हैं, देखो जनता के सामने जाने हैं, वो तो हमें नहीं बता सकते, हमारे पास हैं उसके। हमने उसकी एक ऑडियो क्लिपिंग बनाई, दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल की, हमने वो पुलिस को दे दी है। रात हमने एक लिखित में बयान सोनली थाने में दे दिया था। अब हमारे जिला परिषद के कुछ हमारे साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, अब वो आए थे। पहले हम DC साहब से मिले, DC साहब ने हमें SP साहब के पास भेजा, फिर हम SP साहब से मिल के आए अभी कैंप ऑफिस जाके। SP साहब ने देखो अच्छा वो कहा, SP साहब ने कहा कि लगभग 24 घंटे 48 घंटे में हम ट्रेस करके पता कर लेंगे, और जब तक आपको भी गनमैन दे रहे हैं और बच्चों की भी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेवारी है। कॉल कौन से नंबर पे आई थी, व्हाट्सएप कॉल पे आई थी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉल पे आई थी, +92 92। हाँ विदेश का नंबर है, हमने गूगल पे वो सर्च करके पाकिस्तान देखा है, तो मैक्सिको का नंबर बता रहा है उसने गूगल भी, +92 किसी +52 प्लस बावन पे प्लस बावन है। हाँ देखो कौन सख्त, तो जी मेरा तो अनिल भाई नेचर रहा सरल सा है, मैं तो मोटरसाइकिल पर घूमता रहा हूँ, आप भी देखो शहर में सारा दिन। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी सोचते थे भाई हमने कोई इस तरीके की हरकत हो सके हमारे साथ। डिमांड करी है क्या, डिमांड नहीं, करी है। डिमांड डिमांड उसने कुछ नहीं करी है, वो बार बार यही कह रहा है कि चुपचाप बैठ के चेयरमैन नहीं कर ले, अन्यथा यह 5 मिनट का काम है चेयरमैन नहीं जाना का। कहीं ना कहीं ये संदीप मानते हैं भाई कि का कहीं चेयर आगे तक तो मिली हो अगर कोई। देखो अभी 4 मंथ हुए हैं चेयरमैन बने हुए, 4 महीने में जितना हम अच्छा कर सके उतना अच्छा हमने कराया है। हमारी एक जिला परिषद के मेंबरों की टीम है, जो पुराने मेंबर हमारे साथ थे, हम सभी सलाह मशवरा करके काम करते हैं, और सभी का लगभग बराबर सा काम अलॉट किया हमने, ऐसी कोई बात नहीं को फर्क वाली, एक सिवाय छोड़ के प्रधान को, पूर्व प्रधान को छोड़ के ना वो हमारे पास आई है ना हम। हटा के चेयरमैन ही लिया, कहीं उसकी कहीं दुश्मनी और कहीं वो तो एंगल नहीं बनता। नहीं एक बात तो बताओ, हमारे ऊपर तो किसी पार्टी का लोगो था ही नहीं ना, जो मेरे साथ पार्षद हैं जिन्होंने मुझे बनाया है वो भी तो BJP। चलो मैं तो ये मान लो आप राजनीति में नया था, जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं वो मेरे पार्षद पदाधिकारी हैं BJP के, तो हैं या मेरे कोई कांग्रेस का लोगो हो, या मैं कोई किसी कांग्रेस के मंच पर गया हूँ, मैं तो किसी के मंच पर गया ही नहीं, मेरा तो सदन ही मेरा मंच है, मैं तो अपने सदन के साथ ही अपना टाइम में गुजार रहा हूँ। जो सरकार आओगी, सरकार से कोई डिमांड होगी तो सभी पूरा सदन लेके चले जाएंगे मांगने के लिए, हाईकमान का काम दे देंगे तो हम लोगों में विकास कर देंगे। मुख्यमंत्री के बारे में नाम भी बताया था उसने अपना फोन पे। नहीं हमने बार बार उसे उकसाया नाम बताने के लिए, मैंने अपना बार बार नाम भी बोला उसको, आगे से एक थोड़ी बदतमीजी करने की हमने कोशिश करी ताकि 23 में आके नाम बता दे, उसने अपना नाम नहीं बताया है। उसने वैसे कहा है कि तुम जिसके भरोसे जीतते हो जो करते हो मैं उन सब का बाप हूँ, इस तरीके के शब्द कह रहे थे। मुख्यमंत्री से भी मिले हो इस बारे में या मिलना है, इतना टाइम नहीं लिया। अभी मुख्यमंत्री से हम नहीं मिले हैं, हम जल्द ही, अगर पहली बात तो मानते हैं कि हमें कहीं तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SP साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है और अच्छी ही बात कही है, तो शायद हमारा मामला निपट से यहीं तक। आवाज को जाने का चाहने लगे हो हाँ आपको आवाज़ से या कौन। हम जैसे देखो अमन भाई, हम राजनीति करते हैं यहाँ पे, तो हम हर गांव के आदमी का हमने पता है भाई ये आवाज़ कुराड़ गांव वालों की है, ये आवाज़ सोनौली वालों की है, थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा हर गांव में,
1 किलोमीटर के दायरे में फर्क आ जाता है। हम जहां तक महसूस कर पा रहे हैं उस आवाज को, वो आवाज पुगथला श्यामड़ी इस साइड के क्षेत्र की है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे मेरे परिवार के रात को घर पे, वो आवाज को सुन रहे थे, उनको आवाज का तजर्बा ज्यादा है। उनका भी यही कहना है कि आवाज मिक्सिंग है सोनीपत प्लस पानीपत। हमारा कहना मतलब ये कि अंडर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे का आदमी आदमी लोकल है। तो कहीं आपकी कोई इस दायरे के अंदर किसी से कोई दुश्मनी हो, कोई है, कोई पुराना नहीं, कोई? अगर मैं तो किसी से मानता नहीं, अगर कोई मानता है तो सामने आ जाए, सामने आके बता दे हमारी ये दुश्मन आई है। सनी भाई साहब एक काम कर दिया कि जो उनके बैठ के चेयरमैन नहीं कर। अब तक तो भाई साहब कोई ऐसा काम नहीं करा है पत्रकार महोदय। आप मैंने जितने भी काम करे हैं सभी के सदन में वो करा है, पास किए हैं। जितने भी काम करें, सामाजिक काम करें, सभी का सम्मान काम किया है। मैं किसी के लिए 4 महीने में ना कहीं थाने में गया हूँ, ना कहीं किसी तहसील में गया हूँ। मेरा काम सिर्फ अपने जिला परिषद को संभालने का है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। शक्ति तौर पर नाम क्या? नहीं देखो, मैं जब मेरी आज तक किसी से दुश्मनाई नहीं हुई तो मैं शक किस पे करूँ। उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है और आप लोगों की भी। जब तक आप चाहो गनमैन ले लो, गनमैन भेज दिया है और अगले 24 से 48 घंटे में ट्रेस करके मुलजिम को पकड़ने की हमारी कोशिश रहेगी।